Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. ये पिछले कुछ सालों से ना एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यूपीएससी ना थोड़ा बहुत अवार्ड्स के ऊपर कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अब अगर हम पढ़ने पे आए तो देर आर एंडलेस नंबर ऑफ अवार्ड्स जो कि पढ़े जा सकते हैं। सारे बच्चे नहीं पढ़ने होते हैं, आपको बहुत सिलेक्टिव तरीके से कुछ कुछ अवार्ड्स ही पढ़ने होते हैं। वैसे ही जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कि अभी हमारे डॉक्टर कनन जी को एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला, जिस अवार्ड का नाम है रिमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, हमारे लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि डॉक्टर साहब का क्या काम है, क्यों उनको ये चीज मिली है, राइट। उसके बाद में विल स्टडी समथिंग अबाउट रमन मैग्सेसे अवार्ड्स की, कौन देता है इसको, राइट, और इस ये कहां पे दिए जाते हैं, किन लोगों को मिल सकता है, किस कैटेगरी में मिल सकता है, वो देखेंगे। साथ में थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे कि रमन मैग्सेसे है कौन, राइट, तो इस टाइप की चीज हम साथ में देखने वाले हैं। प्लस एक चीज एडिशनल हम इसमें और देखने वाले हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है अभी डॉक्टर कनन जो इंडिया से उनको मिला है, इसके अलावा बाकी तीन कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है और उन्होंने क्या काम किया है, राइट। तो इसके बाहर यूपीएससी आपको जो है इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछने वाला। चलिए शुरू करते हैं बच्चे, चलिए आइए। सो ये जो अवार्ड है ये इट इज कन्फर्ड अपॉन द सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट। बाय द वे, ऑनकोलॉजिस्ट इज द वन जिसको हम बहुत लेमैन्स टर्म में कैंसर स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। सो ये कैंसर का इलाज ही नहीं करते हैं ऑनकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये आपको ट्रीटमेंट और केयर के बारे में भी आपको गाइडेंस देते हैं, है ना, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक कैंसर सर्वाइविंग एक जर्नी हो जाती है, तो उस पूरी जर्नी के थ्रू जो आपके साथ में रहता है उनको ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है, राइट। सो आर रवि कनन इनको मिला है, ये कौन है, ये ही इज द डायरेक्टर ऑफ काचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर CCHRC असम के अंदर ये है, ठीक है। क्या करते हैं, ही हैज रेवोल्यूशनराइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट इन असम, कैसे, बाय प्रायोरिटाइजिंग पीपल सेंट्रिक एंड प्रो पुअर हेल्थ केयर सोल्यूशन, ठीक है जी। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड आपको हमेशा ही किसी ना किसी सोशल एंगल से जुड़ के ही दिया जाता है, राइट, तो ये उसकी कंडीशन होती है काइंड ऑफ। हालांकि रमन मैग्सेसे अवार्ड की कोई एसेट सेट कैटेगरीज नहीं है, बट कोई सोशल इंपैक्ट होना चाहिए उसका, ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें, राइट, ठीक है जी। तो पीपल सेंट्रिक एंड प्रो पुअर हेल्थ केयर के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला, और वो है क्या, वो एक ऑनकोलॉजिस्ट है विच इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है इसमें, हालांकि यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। I'll just tell you about this thing. As a result, the compliance rate for cancer treatment increased remarkably from 28% to 70%. तो ये चीज़ ना आप कहीं mains वगैरह में use कर सकते हैं creatively. Again, I don't want to tell you कि exactly कहाँ पे कर सकते हैं because it might limit your thinking to that extent. तो ये मैं आपको खुला छोड़ रहा हूँ, ये this is an example कि ऐसे फलाने फलाने डॉक्टर है जिनको ये अवार्ड मिला और उन्होंने ये किया था, ये उसका रिजल्ट है, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, बाकी अवार्ड इज कौन है, अगेन इसको भी हमने ध्यान से देखना है, मैं कीवर्ड जो है मैं आपके लिए अंडरलाइन कर दूंगा यहां पे, राइट। सो वी हैव कौरवी रक्षण फ्रॉम बांग्लादेश, आप ये ना देखो क्योंकि चार ही हैं, राइट, और चार ही ऑप्शन आते हैं, तो हो सकता है ये वाला जो सवाल है आपको मैच द फॉलोइंग में देखने को मिले आपके किसी पीसीएस एग्जाम के अंदर, चाहे वो पंजाब का हो, पीपीएससी का हो, या फिर आपका एचपीएस का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो है आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा क्या है। रवि कन्नन इंडिया आपने मैच करना है, है ना, मैच तो फॉलोइंग में आ सकता है, लेट्स सी। कौरवी रक्षण बांग्लादेश से बिलोंग करती है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, क्या है ये, फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द अंडरप्रिविलेज चिल्ड्रन इन बांग्लादेश, ठीक है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड है, तो इसका कीवर्ड जो है आपका जो है वो एजुकेशन बनने वाला है। नेक्स्ट वी हैव यूजीनियो लेमोस, ये टाइमोर लेस्टे से बिलोंग करते हैं, रिमेंबर ये मेरे कमेंट्स में लिख के बताइए कि टाइमोर लेस्टे की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी और वॉटर बॉडी कौन सी टच होती है, राइट, तो ये आप कमेंट्स में मुझे थोड़ा सा सर्च करके बताइए, थोड़ा आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है, थोड़ी बेटर तैयारी होती है। कैसे, फॉर हिज एफर्ट्स इन एंश्योरिंग एडिक्वेट फूड फॉर पीपल एंड प्रमोटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है, तो इनका कुछ ऐसा सा काम है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट वी है मिरियम कर्नल फेरर, ये कहां से है, ये फिलीपींस से, इनका क्या काम है, for an unwavering confidence in the transforming power of non-violent peace-building techniques, ठीक है जी, non-violent peace-building techniques, ये इनका काम है, right? So you can also take a screenshot of that. Awards के बारे में बहुत briefly जानते हैं, रमन मैग्सेसे की जो foundation है, it is registered in Philippines, तो अगर option में आएगा, तो Philippines के through ये award जो है, वो confer होता है ना, इसकी एक अलग से group of trustees है, जो कि decide करते हैं कि award किसको दिया जाएगा,
एंड दिस अवार्ड इज रिगार्डेड एज एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज, राइट। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज, इट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट। क्यों होता है एशिया, और ये जो है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलता है इन एशिया, ये इसकी कंडीशन है, फॉर देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, हु वॉज रेमन मैग्सेसे फिलीपींस, ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट योर सेल्फ। मैं आपको थोड़ा मेन मेन चीजें बता देता हूँ कि ये वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ, फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस, तो ये आपके सवाल में आ सकता है कि रमन मैग्सेसे, हु वॉज रमन मैग्सेसे, राइट। तो ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट। और इन्होंने क्या किया, जब कम्युनिज्म का थ्रेट हो रहा था तो ही वॉज द वन जिन्होंने उस कंट्री को लीड किया था और उससे बाहर निकाला था, सो दैट इज वाई इनके नाम के ऊपर ये जो अवार्ड है वो गिवन है। 1957 में इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, राइट, एंड फॉर दैट मैटर 1958 से ये अवार्ड शुरू हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव, दीज आर द प्रोमिनेंट पीपल इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिल रखा है, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेंस एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.